हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बीकॉम सेम फोर से ऑडिटिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो कौन से किस तरह से पढ़ाई करनी है, आपकी पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एज वेल एज मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बताऊंगा कि जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे दूं कि यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मैं पास्ट पेपर और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ और मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके आपको आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस निकाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑडिटिंग का पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा जहां पे 14 के और में 7-7 मार्क्स की थियरी आएगी। आपको पता ही है कि ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है ना वो टोटली थियरी का सब्जेक्ट है और सारे के सारे चैप्टर्स जो है उसमें थियरी ही देके रखी है, यहाँ पे एक भी सम्स नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें थियरी आएगी 14 मार्क्स की, उसके और में 7-7 मार्क की थियरी आ सकती है। जनरली इसका जो पेपर पैटर्न होता है ना वो कैसा होता है कि 7-7 मार्क्स के और में 7-7 मार्क्स का आता है, या तो 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर 6 और 8 मार्क्स का पैटर्न होता है, 8 और 6 मार्क का। तो अलग अलग तरह के पेपर पैटर्न गुजरात यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, तो मेरे हिसाब से इस बार 14 के ऑप्शन में 7-7 मार्क के क्वेश्चंस आने चाहिए। तो सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 आपको करने रहेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें थियरी के और में सेम चीज होगी, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 10 में से आएगा। तो आप एक सिंपल चीज सोच सकते हो कि भाई चैप्टर नंबर 10 पूरा 14 मार्क्स कवर कर रहा है। तो अगर मान लो ये वीडियो लोग आखिरी वाले दिन देख रहे हो तो चैप्टर नंबर 10 सबसे पहले करना, बिकॉज़ ये वाले इस चैप्टर का वेटेज 14 मार्क्स है और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर लोगे तो आपके 14 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा 14 मार्क्स के और मैं 7-7 मार्क्स के, इसमें आएंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। और नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि थियरी होगा 14 के और मैं 7-7 मार्क्स के होंगे, इसमें होगा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा जिसमें एमसीक्यूज आते है, और इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को सिंपल बता दूं कि 12 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से आपको कोई भी 7 एमसीक्यूज चूज करने होते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 12 के 12 कर दे, ऐसा नहीं होता, पहले 7 जो होते हैं ना वो कंसीडर किए जाते हैं, उस बेसिस पे ये टोटल 14 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो आपका टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा और आपको जो है टाइम 2.5 आवर का टाइम जो है वो दिया जाएगा पूरा पेपर लिखने के लिए। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो एग्जाम के आखिरी दिन में देख रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोग क्या करो पता है, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लो, देन बात करें तो चैप्टर नंबर 6-7 कर लो, और फिर बात करें तो चैप्टर नंबर 8 और 9 कर लो, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये 3 चैप्टर कर लेने से आपके मोस्ट ऑफ मार्क्स कवर हो जाएंगे, तो आप पास नहीं बहुत अच्छे मार्क ला पाओगे। और एमसीक्यूज खास करना, जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे देके रखे हैं वो सारे एमसीक्यूज खास अच्छे से कर लेना। और आपको मैं बता दूं, अगर आखिरी दिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए है, तो आप लोग उसकी प्लेलिस्ट चेक करना और उसमें जाके सारे वीडियोस एक के बाद एक देखते जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। और वो सारे कौन से क्वेश्चंस है वो अब मैं आपको जाके बताता हूं। और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो मैं डैम श्योर देता हूं कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं आखिरी दिन में पढ़ने के बाद भी, ठीक है। और अगर आप लोग ये सारे चैप्टर्स कर रहे हो तो पहले 3 कर सकते हो चैप्टर, तो उसमें से और में कोई ना कोई क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने देख ले आईएमपी क्वेश्चंस कौन से हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, उसमें आप 3 क्वेश्चन कर लो, इन 3 में से ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग जो पेज नंबर 3 है, फिर है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग पेज नंबर 14 है, देन आफ्टर लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग जो पेज नंबर 15 पे है। यहाँ पे मैंने जो पेज नंबर दिए है ना वो लेटेस्ट बुक के हिसाब से दिए, और अगर आपके पास लेटेस्ट बुक नहीं है तो आप हमारे ऐप में से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट में टोटल 3 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट जो चैप्टर है उसी का ही क्वेश्चन है पेज नंबर 23 पे, फिर है एम्बलेजमेंट ऑफ कैश पेज नंबर 31 पे, देन आफ्टर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स पेज नंबर 34 पे। आपको मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी हमारी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं पूरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, और कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3 का नाम है टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑडिट पेज नंबर 51 पे, देन आफ्टर है एनुअल और फाइनल ऑडिट,
पेज नंबर 57 पे, देन है कंटिन्यूअस ऑडिट पेज नंबर 58 पे, और है डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड एनुअल ऑडिट पेज नंबर 57 और 58 पे आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वाला भी पूरा चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट वर्क, उसमें टोटल 5 मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जा सकता है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन ना मैं रेगुलर स्टूडेंट जो है उन सबके लिए बता रहा हूं। अगर आप अभी से पढ़ना चालू कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो ये सारे क्वेश्चन करना ये एग्जाम में आ ही सकते हैं, और ये सारे अभी तक पूछे जा चुके हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम पेज नंबर 92 पे, फिर है नंबर 2 डिफरेंस ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट नोटबुक पेज नंबर 92 और 94, रूटीन चेकिंग जो पेज नंबर 99 पे है, देन आफ्टर टेस्ट चेकिंग पेज नंबर 100 है, डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग पेज नंबर 99 और 100 पे आपको देखने को मिलेगा। पर इन सबके भी वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे ऐप पे और एज वेल एज हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देख सकते हो। आपको मैं बता दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 4 का बैच है, जहां पे हम लोग कॉस्ट अकाउंट 2 स्टेटिस्टिक टैक्सेशन टू ऑडिटिंग ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें लाइव लेक्चर और एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसकी प्राइस 2399 है, और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। पूरे अहमदाबाद पूरे गुजरात यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और आपको यहां पे प्रोफेशनल फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाएगा, एज वेल एज हम आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7202011221। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आईएमपी चैप्टर नंबर 5 से। तो इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल, इसमें से हम लोग आईएमपी देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटरनल चेक पेज नंबर 117 पे है, फिर है इंटरनल चेक ऑफ कैशियल्स पेज नंबर 121, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट खास कर लेना, 125 पे है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ठीक है, पेज नंबर 127 पे है। तो ये सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से है। चैप्टर नंबर 6 वाउचिंग, वाउचिंग में देखना जाए तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग करना है आपको पेज 139, फिर है पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड इन वाउचिंग पेज नंबर 140, फिर है नंबर 3 वाउचिंग एंड ऑडिटर्स ड्यूटी पेज नंबर 143। तो ये सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जैसा कि कहा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोज इसके अपलोडेड है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, उसमें आपको वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन में आपको करना होगा वाउचिंग द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक पेज 150, वाउचिंग द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक पेज नंबर 159। देन आफ्टर बात करें तो चैप्टर नंबर 8 है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन पेज 188, ऑडिटर्स ड्यूटी एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन पेज नंबर 185, और नंबर 3 है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स पेज नंबर 196। ठीक है, अब देखो 8 चैप्टर के बाद सीधा मैंने 10 चैप्टर लिया है, 9 चैप्टर के आईएमपी मैंने नहीं दिए है, बिकॉज 9 चैप्टर के आईएमपी बड़े इजी है, आप लोग खुद बना के लिख सकते हो, गुडविल और ऐसी सारी बहुत सारी बेसिक चीजें है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, मतलब बहुत सारी चीजें है, दैट्स व्हाई आप 9 चैप्टर स्किप भी कर सकते हो, और 9 चैप्टर में से क्वेश्चन आता भी है ना तो आप खुद बना के लिख सकते हो, आप कैपेबल इतने तो होंगे ही। नेक्स्ट आगे बात करें चैप्टर नंबर 10 कंपनीज ऑडिटर, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चैप्टर अकेला 14 मार्क्स कवर करता है, तो ये चैप्टर तो करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इंटरनल एग्जाम में एज वेल एज यूनिवर्सिटी की एग्जाम में, दोनों में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% आईएमपी क्वेश्चंस। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर पेज नंबर 252 पे, फिर है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर पेज 253, फिर है तो नंबर 3 अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर पेज 253, देन आफ्टर रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर पेज 256, फिर है राइट्स ऑफ एन ऑडिटर पेज नंबर 258, फिर है ऑडिटर्स लियन पेज नंबर 260, और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पेज नंबर 261। तो इस तरह से टोटल 7 क्वेश्चन है, और ये 7 के 7 क्वेश्चन मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसमें से तो आएगा ही आएगा, डैम श्योर है। तो अगर आप आखिरी दिन भी पढ़ रहे हो ना तो ये सारे क्वेश्चन तो करके ही जाना, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसमें से। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 10 चैप्टर मैंने करवा दिए, और 10 के 10 चैप्टर में आईएमपी क्वेश्चन भी
प्रोवाइड कर दी और आपको एक स्ट्रेटेजी भी बता दी। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो ना तो सारे चैप्टर्स अच्छे से करके जाना और मैंने जो आईएमपी दिए उतना ही करना, चल जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही है कि और में कोई ना कोई क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। एज वेल एज अगर आप लास्ट डे पढ़ रहे हो, आखिरी दिन पढ़ रहे हो, तो कौन से प्रिपेयर करने, चैप्टर 10 अच्छे से कर लेना, 6 7 अच्छे से कर लेना और इसमें चैप्टर नंबर 8 अच्छे से कर लेना और सारे चैप्टर के एमसीक्यूज जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए है ना वो अच्छे से करके जाना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।